हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन एंड फीलिंग सेफ। वेलकम बैक हम सबके अपने यूट्यूब चैनल बीएमएस लेक्चर 17 में। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट्स इज दोष उपकरण। तो बेसिकली ये 4 मार्क्स में पूछ सकते हैं, 10 का मार्क्स तो ये बनता ही नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले दोष आपको पता है वातपित कफ, इनमें उपक्रम मतलब कि क्या इनका ट्रीटमेंट रहता है बेसिक, ठीक है। तो वात के लिए आता है सबसे पहले वातस्थ उपक्रम स्नेहन स्वेदन संशोधन मृदु स्वादु अम्ल लवण लवण उष्ण उष्ण निभोजन उष्ण निभोज्य अन्य अभ्यंग मर्दन, ठीक है। तो वात में सबसे पहले क्या पढ़ा? सबसे पहले आपके पास 3 पेशेंट हैं, एक वात का, एक पित्त का और एक कफ का। तो एक में आपको वात का ट्रीटमेंट करना है, एक में पित्त का करना है, एक में कफ का करना है। तो वात वाले में आपको सबसे पहले क्या करना है, उसको स्नेहन देना है, देन उसको स्वेदन करना है और मृदु संशोधन, ठीक है। फिर आपको खाने की बात करें तो आपको उसमें मधुर अम्ल लवण देना है, उष्ण भोजन देना है, ठीक है। ये खाने की बात होगी, मधुर अम्ल लवण उष्ण निभोज्य उष्णानी है ये उष्णानी भोज्य। फिर अन्य और क्या करना पड़ेगा आपको, मालिश करनी पड़ेगी, अभ्यंग और मर्दन करना है, ठीक है। पहले इसमें इन्होंने जैसे शमन चिकित्सा बता दी, फिर शोधन चिकित्सा बता दी, देन आहार बता दिया और देन विहार, आप ये सोच सकते हो, ठीक है। विहार हाँ, इसमें और क्या करना है शमन चिकित्सा में। तो इसमें सबसे पहले शोधन में इन्होंने बताया स्नेहन स्वेदन मृदु संशोधन और निरु अनुवासन बस्ती दे सकते हैं, स्निग्ध उष्ण बस्ती मात्रा बस्ती नस्य धूमपान शिरो बस्ती गंडूष। और शमन में आप अभ्यंग कर सकते हो, मर्दन वेष्टन उत्साहन उपनाहा उष्ण उपनाहा कर सकते हैं, उष्ण परिषेक। आहार की बात करें मधुर अमल लवण और उष्ण स्निग्ध आहार लेना है। औषध में जैसे दीपनिया पाचनिया, ये आहार में ही आएगा, दीपनिया पाचनिया और वात शामक आहार, ठीक है। मदपान दृश्य और बल बल्य द्रव्य देने हैं, मांसरस देने हैं, तेल, ठीक है, गोधूम नव अन्न दशमूल, ठीक है। नव अन्न जो होते हैं वो कफ वाला ज्यादा होते हैं, तो इसमें क्या है नव अन्न दशमूल राशमा एरंड गुट्टी अर्क हरिद्रा बला अश्वगंधा लहसुन, ठीक है। नेक्स्ट बिहार में धूप का सेवन करना है, गर्म पानी से स्नान करना है, ठीक है। मृगचर्म ये सब आप हेमंत ऋतुचर्या पालन करना है इसमें, क्योंकि ये बात वाली है जिसमें हेमंत ऋतुचर्या पालन करना है। अमंग ऑल अबव मेजर्स निरु बस्ती और अनुवासन बस्ती जो है वो बेस्ट है, और अमंग ऑल द द्रव्य जो तेल है वो बेस्ट है प्रकोपित बात के, ठीक है। तो आपको लास्ट में ये लाइन जरूर लिखनी है कि जितने भी ये सारी चीजें बताई हैं इसमें से निरु अनुवासन बस्ती बेस्ट है, और जितने भी ये चीजें बताई हैं आहार वालों में इनमें तेल सबसे बेस्ट है बात को शमन करने के लिए, ठीक है। तो इसका श्लोक बनता है वातस्य उपक्रम, बात में जो उपक्रम करना है वो स्नेहन करना है, स्वेदन करना है, मृदु संशोधन करना है। फिर इसमें आता है आपके पास स्वादु अम्ल लवण उष्ण उष्णानी भोज्य अन्य अभ्यंग और उद्वर्त मर्दन आता है, सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट आता है पित्तज, पित्तज में क्या आएगा, पित्तस्य सर्पिष्य पानम, सर्पी मतलब घृत का पान करना है। अब आपके पास पित्त का पेशेंट आता है, पित्त में तो पहले इतनी गर्मी है ना, तो उसको हम घी देंगे, घी के बाद हम उसमें क्या देंगे, मीठा शीत और मधुर मतलब स्वादु शीत विरेचन, ठीक है। हमें क्या करना है उसमें स्वादु शीत विरेचन मधुर और शीत विरेचन, मधुर और शीत द्रव्य देना है, विरेचन कराना है, और स्वादु तिक्त कषाय, मधुर तिक्त कषाय आपको पता ही है जो लास्ट के दो और ऊपर का फर्स्ट होता है आपका पित्त का क्या करते हैं शमन करते हैं, है ना। तो इसमें आपको क्या करना है, बेसिकली स्वादु तिक्त कषायानी भोजन अन्य औषधनानी च, इसमें औषध देनी है। और तो पित्त में सबसे पहले घी पिलाना है आपके पास जो बंदा आता है, उसके बाद उसको मीठा और शीत और विरेचन कराना है, उसके बाद उसमें मधुर तिक्त कषाय भोजन देना है, ठीक है, और अन्य औषध देनी है, ठीक है। तो शोधन में स्नेहन विरेचन और रक्तमोक्षण कराते हैं इसमें, ठीक है। स्वेदन की जरूरत नहीं है, आप स्नेहन कराओ इसमें, पित्त जो भी स्वेद है वो निकल जाएगा। और शमन में शीत प्रदेह उपलेप परिषेक भयंकर करा सकते हो। आहार औषध में आप मधुर तिक्त कषाय रस वाले पितर द्रव्य जैसे दूध है, ठंडा पानी है, ठीक है, जंगम मासरस है, पंच तिक्त है, पट चंदन उशीर हरिवेर मुक्ता प्रभाल ये स्टी मधु आता है। बिहार में ठंडे अनुकूल में रहना है, प्रदेह परिषेक मुक्ता मणि का धारण करना है, ठीक है, और कपूर चंदन इन सब का लेप करना है, और इसमें शरद ऋतुचर्या पालन, ठीक है। वात है, ठीक है, पित्त, पित्त में क्या है, पित्त क्या आएगा, पित्त जो है वो बेसिकली पित्त मतलब कि गर्म, गर्म चीज हम कब सेवन करते हैं, मतलब गर्म पानी में नाना, ठंड में शीत में, तो शरद वैसे याद रखना इसको, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसमें अमंग ऑल मेजर्स विरेचन इसमें बेस्ट है, और सारी चीजों में घृत
बेस्ट है, ठीक है। उसमें क्या था, उसमें आपके लिए निरु अनुवासन बस्ती बेस्ट है और तेल बेस्ट है, इसमें आपका घृत बेस्ट है और विरेचन बेस्ट है। तो पित्तस्य इसमें क्या आएगा आपके पास, पित्तस्य सर्पिष्य पानम, सर्पी का पान कराना है। फिर इसमें आएगा स्वादु शीत विरेचनम आएगा, फिर आपके पास स्वादु तिक्त कषायाणि भोजन अन्य औषधनानि च। नेक्स्ट आता है कफ के लिए, तो कफ में क्या आएगा आपके पास, कफ दोष उपक्रम में श्लेष्मणो विधिनाम विधिना युक्तम तीक्ष्णम वमनम रेचनम अन्नम रुक्ष अल्प तीक्ष्ण उष्णम कटु तिक्त कषायक। मतलब श्लेष्मा में क्या करना है, विधि पूर्वक आपको तीक्ष्ण विरेचन तीक्ष्ण वमन रेचन कराना है, ठीक है, वमन विरेचन कराना है इसमें तीक्ष्ण, और अन्न जो है वो रुक्ष देना है, कम देना है, तीक्ष्ण उष्ण देना है और कटु तिक्त कषाय रस वाला देना, ठीक है। इसमें श्लेष्मा में आपको क्या करना है, तीक्ष्ण तीक्ष्ण वमन रेचनम, मतलब वमन विरेचन तीक्ष्ण देने हैं। सबसे पहले हम इसमें सभी में क्या बता रहे हैं, संशोधन चिकित्सा बता रहे हैं, है ना। तो इसमें भी जैसे हमने बता दिया, एक तो पहले शमन बता दी, तो इसमें बेसिकली संशोधन बता दी, फिर अन्य इसमें रुक्ष अल्प और तीक्ष्ण उष्ण देना है, कटु तिक्त कषाय रस देना है, ठीक है। तो शोधन में स्वेदन तीक्ष्ण क्या कराना पड़ेगा, तीक्ष्ण और उष्ण संशोधन वमन विरेचन आएगा इसके अंदर, और शिरो विरेचन कटु। शमन में आपको रुक्ष रुक्ष उन्मर्दन करना है, रुक्ष उद्वर्तन उत्साधन उपनाहा करना है। आहार की बात करें, इसमें कटु तिक्त कषाय देना है, ठीक है, इसमें कटु तिक्त कषाय देना है, ओके। और तीक्ष्ण उष्ण क्षार रुक्ष आहार देना है और मेधोगण उपचार करने हैं, जैसे मधु पंचकोल त्रिकटु या विषहार ये देना है। लघु व्यायाम कराना है, चक्रमण कराना है, स्त्री सेवन लंघन, रात्रि जागरण, चिंता, उष्ण स्थान पे निवास और बसंत ऋतु। कफ कफ जो है वो बढ़ जाता है, बढ़ जाता है मतलब बसंत आएगा, वात है हेमंत, पित्त में शरद, और इसमें क्या आएगा, कफ बढ़ जाता है मतलब बसंत आता है। तो सारे में वमन बेस्ट है और सारे द्रव्य में मधु बेस्ट है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, दोष उपक्रम है, ठीक है जी। तो इतना ही है, बात में आपको सिंपल याद रखना है, वातस्य उपक्रम स्नेह करना है, स्वेदन करना है, संशोधन मृदु करना है, देन आफ्टर इसके अंदर आपको स्वादु अम्ल लवण उष्ण उष्णानी भोजन अन्य अभ्यंग और मर्दन करना है। नेक्स्ट पित्त की बात करें, तो पित्तस्य सर्पिषा पानम करना है, देन उसमें स्वादु शीत विरेचनम करना है, और देन स्वादु तिक्त कषाय आणी भोजनानी औषधानी च। और कफ में क्या करना है, श्लेष्मा विधिनाम युक्तम, श्लेष्मा विधिनाम युक्तम क्या करोगे, तीक्ष्ण तीक्ष्ण वमन रेचनम। देन आपको इसमें क्या करना है, अन्न क्या होगा, रुक्ष अल्प तीक्ष्ण उष्ण कटु तिक्त कषाय होगा, ठीक है। और इसमें बेसिकली आपका वात में निरु अनुवासन बस्ती और तेल बेस्ट है, इसमें आपका विरेचन और घृत बेस्ट है, और कफ में आपका वमन और मधु बेस्ट है। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट से आ सके। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।